भगवान जब खाया तो मुसलमान भाई की नजर पड़ गई भगवान श्री कृष्ण के चित्र पर, जो पान वाले की दुकान में भगवान का चित्र लगा था। तो मुसलमान ने कहा भाई ने कि भाई ये जो आपकी दुकान में बालक का चित्र लगा है, ये बालक बड़ा सुंदर है, पर ये बालक है किसका? उसने कह दिया ये भगवान है हमारे। अरे तो तुम्हारे भगवान है, इसकी माँ ने चरण पादुका ना पहनाया, कितने कोमल चरण है, जंगल में खड़ा है। तो पान वाले ने मजाक में ही कह दिया कि तुम ही बनवा दो चप्पल जूते। खान साहब को बात अच्छी लगी, घर गए और नाप के चरण पादुका बनाई और पान वाले से आकर कहा ये चरण पादुका तैयार है, बताओ ये जो तुम्हारा भगवान है कहाँ मिलेगा, हम अपने हाथ से उसे ये चरण पादुका पहनाएंगे। पान वाले को क्या पता था कि ये सही ले आएगा, पर श्रद्धा तो श्रद्धा, उसे ये नहीं पता था भगवान क्या होता। पान वाले ने कहा भाई सुनो, मेरे धंधे का टाइम है, यहाँ नहीं मिलेंगे ये, किसी और से पूछो। अब वो खान साहब सबसे पूछ रहे हैं, क्या बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे हैं, बताओ कहाँ मिलेंगे बताओ। अब जिससे भी जाकर पूछें कि भैया वो बालक कहाँ मिलेगा, तो लोग कहें कौन बालक, उसकी छवि क्या है, हुलिया बताओ। अब खान साहब हुलिया बता रहे हैं, कैसा दिख रहा था वो बालक, तस्वीर की छवि मन में बसाई और क्या कहा खान साहब ने, जरा सुनिएगा। वो नन्हा सा बालक है, सावली सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले पहनता मोर मुकुट है, मैंने उसके कजरारे हाथ नन्हे से प्यारे, आज पैजलिया पग में बड़े दिलकश है नजारे, घायल कर देती है उसकी, घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे पूछ रहे हो। सांवला है, घुंघराले बाल है, आप कजरारी है, पांव में पायल है, बांसुरी भी थी, हाँ 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 वही है। अब सामने वाला समझ गया कि बीमारी क्या है, तो क्या कहा सामने वाले ने जरा सुनिएगा। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो तो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, कहीं वो श्याम कहता कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता कोई गोवर्धन धारी, नाम हजारों ही है उसके, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह पर धाम, बताओ मिलेंगे इनका नाम बांके बिहारी है, यहाँ वहां ना ढूंढो वृंदावन जाओ। उन्होंने ट्रेन पकड़ी और वृंदावन आए, पूछा भैया ये बिहारी जी कहाँ मिलेंगे, लोगों ने बताया बिहारी जी यहाँ तो बहुत बच्चों का नाम बिहारी है, बताओ कौन सा बिहारी चाहिए। बोले जिनके माँ का नाम यशोदा और पिता का नाम नंद है वो उनका बेटा चाहिए।
समझ गए लोग, बिहारी जी के चरणों में भेज दिया। खान साहब बड़े प्रसन्न हुए, अब मिल गया अपने हाथ से चरण पादुका पहनाऊंगा। जाने लगे तो लोगों ने रोका, अरे तुम मुसलमान हो? लोगों को लगा कहीं वो दंड का फैलाने ना जा रहा हो, अंदर रोक दिया बाहर, चलो बाहर। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, श्याम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। नहीं मिलने दिया तो सीढ़ियों पे मंदिर के डाल करे अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा श्याम मेरा। उसे लगा मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, उन्हें तो पता है ना कि मैं आया हूँ, इसलिए तुम जब बाहर आओगे तब पहनाऊंगा। देखो श्रद्धा कितनी बड़ी, सीधा कितना सरल, इसे कहते हैं सरलता, निष्कपटता यही है। ऐसों के प्रेम में ठाकुर रीझ जाते। मैं अंदर नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, सीढ़ियों पर, सीढ़ियों पे मंदिर के डाल करे अपना डेरा।